अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई जॉब की इंफॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की जॉब जो है ये पास्को डिपार्टमेंट के अंडर आई हुई है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से ये जॉब आई हुई है। और ये जॉब बहुत ज़बरदस्त है और ये इसमें बहुत सारी जॉबें आई हुई हैं, तो ऐसे हज़रात जो जॉब के ख्वाहिशमंद हैं वो इस जॉब को लाजमी चेक करें और इससे बेनिफिट उठाएँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शामी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मिलती रहे मालूमात सबसे पहले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जैसे ही जॉब आए तो उसकी अपडेट आपको दी जाए, और अपडेट जॉब की अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल के रेड बटन को क्लिक करें ताकि आपके पास पहुँचती रहे मालूमात सबसे पहले। गूगल में हम पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज सर्विस कॉरपोरेशन की जॉब को सर्च करते हैं। ये जॉब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये पीटीएस की वेबसाइट के ऊपर आई हुई है, तो हमें यहाँ पे पीटीएस जो है कि वो लिख के सर्च करना है। राइट क्लिक करें। अगर आप हमारी वीडियो को एंड तक देखते रहेंगे तो आपको पूरी मालूमात इस जॉब की मिलेगी। राइट क्लिक करें और ऑल प्रोजेक्ट्स पे जाएं। ऑल प्रोजेक्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोर्स एंड सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड पास्को की जो है कि वो जॉब्स नज़र आ रही हैं, तो व्यू डाउनलोड में हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश एंड उर्दू आ रहा है, तो हम पहले एडवर्टाइजमेंट उर्दू को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको जो है कि एड नज़र आ रहा है। इसमें बहुत ज़बरदस्त जॉबें हैं आईटीसी रिलेटेड स्टेनोग्राफर की। यहाँ पे नंबर शुमार है, नाम असामी है, बीपीएस स्केल है, तादाद है, कोटा है, उम्र है और मतलूबा तालीम और तजर्बे की रिक्वायरमेंट है। आईटी ऑफिसर की जॉब है, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए जॉब है, ये 16वें स्केल की जॉब है। उसके बाद स्टेनोग्राफर मर्द और ख़वातीन की, यह बात बहुत अच्छी है कि मर्द और ख़वातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेलीफैक्स ऑपरेटर की जॉब है, जूनियर क्लर्क की जॉब है, असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, परचेज ऑफिसर, परचेज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट परचेज इंस्पेक्टर, अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंट सब अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर एंड सब इंजीनियर। ये बात जहन में रखें, यहाँ पे सिविल वाले लोगों के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी जॉब है, तो ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़बरदस्त चांस है ऐसे लोगों के लिए जो जॉब की तलाश में है। पास्को में बहुत कम जॉबें आती हैं और इस दफ़ा बहुत अच्छी जॉबें आई हुई हैं, तो इसका प्रोसीजर जो है वो सारा यहाँ पे 15 दिन के अंदर आपने जो है कि पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की ज़रिए जो है कि अपनी दरख्वास्त भेजनी है, तो ये सारा ऐड के अंदर वजाहत से सारा कुछ आप लिख पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे दरख्वास्त देने का तरीका कार भी यहाँ पे लिखा हुआ है। टेस्ट फीस जो है वो 91 रुपये का जो है कि वो आपने बैंक चलान फॉर्म जो है कि वो जमा करवाना है। ये एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशंस हैं, हम उस पर क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन एंड चलान फॉर्म जो है कि ये ओपन हो गया है, तो अब यहाँ पे आप देखें ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड पास्को का चलान फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे आप एक फ़ोटो अपना लगाएंगे, यहाँ पे आप सारा कुछ कैपिटल में टाइप करना है, नाम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद NIC नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, पर्सनल एड्रेस, अपना रिलीजन, डिसेबिलिटी वगैरह, करंट ऑक्यूपेशन, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। आपने अपना जो है कि वो कोटा सेलेक्ट करना है कि आप किस कोटे के थ्रू जो है कि वो अगर स्पेशल आप अलाउ सिलेक्शन के तरफ अगर हैं तो वहाँ पे भी आप सिलेक्ट करें। उसके बाद अगर आप डिज़ायर सेंटर आप बताएं कि किस सेंटर में आप अपना टेस्ट देना चाहते हैं, और यहाँ पे जो है कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर जो है कि ऑलरेडी इसमें एम्प्लॉई है तो वो यहाँ पे आप बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी एकेडमिक तालीमी जो सारी मालूमात देंगे, अपना सर्टिफिकेट वगैरह, डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह के बारे में, जॉब्स की इंफॉर्मेशन देंगे, और यहाँ पे आपने चेक लिस्ट में क्या करना है कि आई हैव साइंड माई एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपने यहाँ पे अपनी दरख्वास्त को सही तरीके से बना के साइन कर लिया तो यहाँ पे यस करें। इसके बाद प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, अगर आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो सारी ठीक है तो आप इसको यस करें, और इसके बाद आई हैव द अटैच द माई NIC नादरा NIC कॉपी, तो अगर आपने अपना शिनाख्ती कार्ड इसके साथ अटैच कर लिया तो इसको भी यस करें, और आई हैव प्रोवाइड द
अटैचमेंट फी इन द चलान फॉर्म। अगर आपने चलान फॉर्म जमा करवा दिया है और उसकी रसीद इसके साथ अटैच है तो उसको भी यस करें। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, सन वाइफ एंड फादर का नाम लिखेंगे और उसके बाद अपना यहाँ पे थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, डेट डालेंगे और सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने ऑनलाइन मोबाइल पैसा और जो है कि बैंक के थ्रू, ये तीन तरीका कार इनका है कि आप इनके ज़रिए जो है कि आप इनको भिजवा सकते हैं। यूनाइटेड बैंक और हबीब बैंक इन्होंने सेलेक्ट किया है। 91 रुपीज़ टोटल 11 रुपये का चलान फॉर्म बन जाता है क्योंकि 20 रुपये बैंक फीस भी होती है। तो 111 रुपये का आपने जो है कि चलान फॉर्म जमा करवाना है और चलान फॉर्म जमा करवा के उसकी रसीद जो है कि इस दरख्वास्त के साथ लगा के आपने जिस जॉब के लिए भी अप्लाई करना है उस जॉब की पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे देते हुए आपने जो है कि दरख्वास्त को अप्लाई कर लेना है। ये जॉब बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा चांस है ऐसे लोगों के लिए जो जॉब के ख्वाहिशमंद हैं। और कोशिश करें कि किया करें कि अपनी ये जो अगर आपके नज़र से ये पोस्ट गुजरती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँचे और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा हासिल कर सकें। किसी को किसी के लिए रोज़गार का सबब बनना भी जो है कि ये एक नेमत है।